बिहार के मसूदा रोड बाड़ीघाटी हजारी नगर स्थित एक किराए के मकान में रहने वाली एक युवती द्वारा सोमवार को पासे के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मांग पर मंगलवार को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द कर दी है। इस दौरान परिजनों ने उक्त प्रकरण में 5 बिंदुओं पर जांच करने की मांग को लेकर सदर थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने परिजनों की मांग को देखते हुए सभी 5 बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। परिजनों ने युवती की लाश को घटनास्थल से लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका की निष्पक्ष रूप से जाँच करने की मांग की है। पोस्टमार्टम के दौरान डिप्टी शमशेर खान तथा सदर थाना अधिकारी शेराराम बेड़ा मोर्चरी में उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव नोंद्री मालदेव निवासी रेणु पुत्री दीप सिंह रावत मसूदा रोड हजारी नगर में किराए के मकान में रहती थी। रेणु शहर के एक निजी बैंक में काम कर रही थी। सोमवार दोपहर बाद रेणु ने अपने कमरे में फांसी के फंदे पर अटक कर अपनी जान दे दी। रेणु द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी उसके एक परिचित युवक के उसके घर पहुंचने के दौरान मिली। रेणु को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखकर युवक ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को एकत्रित किया तथा रेणु को लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही लाश को एकेएच की मोर्चरी में रखवा कर सदर थाना पुलिस तथा परिजनों को सूचित किया। सोमवार देर शाम को अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने, शव को अस्पताल पहुंचाने वालों की भूमिका की जांच करने, रेणु के मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच करवाते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मंगलवार को एकेएच मोर्चरी में उपस्थित मृतका के पिता दीप सिंह तथा नोंद्री मालदेव के पूर्व सरपंच सुरेश सिंह रावत ने थाना अधिकारी तथा डिप्टी के समक्ष संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। मोर्चरी में उपस्थित सदर थाना अधिकारी जयराम बेड़ा ने परिजनों को प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिलाया है। मैं काम कर रहा था तो मेरे फोन आया 2:30 बजे के आप जल्दी अमृत कौर आ जाओ, आपकी लड़की फांसी खा गई। मैं यहाँ आया, देखा तो चीज पड़ी थी और मेरे को ये नहीं लग रहा भाई ये फांसी खाई है। और फांसी खाई तो क्यों खाई, मेरे हिसाब से तो मेरे तो इसका कोई दुख नहीं था, दबाव नहीं था, मेरे तो लाडली बेटी वही थी, मेरे घर की मालिक थी। मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, ये कानून का काम है, मेरा नहीं है आरोप लगा रहा हूँ। मेरे को फोन किए, मैं यहाँ आया तो एक लड़का और एक लड़की ने यहाँ पे वो लेके आए, वो क्या मैंने लेके आए, हम लेके आए और दो चले गए थाने में। वो वापस आए तो चार हो गया, थाने में बंद है। अभी आगे क्या होगा उनका मैं नहीं जानता। ना सर, कल मैं कोई कारण से थाने में गया हुआ था और यहाँ हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया कि आपके गांव की कोई बच्ची है या एक्सपायर हो गई। तुरंत मैं वहां से थाने से छोड़ गया, हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में आकर देखा यहाँ भीड़ भड़ाका था, भीड़ भड़ाका में उनके साथ ही जो बैंक में काम करने वाले वो लेके आए थे। लेके आने के बाद मैंने उनको पूछताछ की कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने जो भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारे पास कॉल आया और हम वहाँ पहुँचे और वहाँ गए। तो मैंने पूछा आप वहाँ क्यों गए, कैसे गए, सारी उनसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद हमारे को पता लगा कि ये लोग, इनकी कोई साजिश होगी, तो इसलिए हमने, हमारे को एक तो मेडिकल बोर्ड से बोर्ड जांच होनी चाहिए, एक उनके मोबाइल कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जो बच्ची गुजरी इनके पेरेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है प्रशासन से। आपको इत्तला मिली थी कि रेणु डॉटर ऑफ दीप सिंह निवासी नोंद्री मालदेव जो बाड़ीघाटी हजारी नगर के पास में कोई मकान में फांसी खा करके लटक गई है, जिसको एकेएस हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इस इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिवारजनों से बातचीत की, परिवारजनों ने उपस्थित थाना होकर के रिपोर्ट पेश की, जिस पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और आज दिनांक को उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया, पंचायतनामा तैयार करके और ओडी परिवारजनों को सुपुर्द की जाएगी। इस बात को लेकर के ग्रामीण वासियों ने कुछ अपनी तरफ से बताया कि साहब इन इन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए, उनसे लिखित प्रार्थना पत्र 5 बिंदुओं को प्राप्त कर लिया गया, जिसके संबंध में हालांकि पहले से अनुसंधान जारी है, फिर भी उन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान किया जाएगा।